अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिल ही मंजिल जो है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कानन आजाद, सबका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल फैम पे। तो आप लोग के लिए काफी कमाल न्यूज लेके आता हूँ, तो फिर काफी कमाल न्यूज लेके आ चुका हूँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फिर आज की न्यूज़ भी काफ़ी कमाल है। जैसे कल के न्यूज़ में मैंने आप लोग को बोला था कि मैं काफ़ी जल्दी आपको Honor K9X की फुल स्पेक बताने वाला हूँ, तो आज आप लोग के लिए फुल स्पेक आपका भाई लेके आ चुका है। बस इसकी एक शर्त है, आपको मुझे लाइक करना पड़ेगा, कम से कम 50 लाइक तो कर देना, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो सबसे पहले बात करूँ अगर मैं थिकनेस की, तो 8.8% की इसमें थिकनेस होने वाली है, और वेट की बात करूँ तो 206 ग्राम का ये होने वाला है फ़ोन। तो काफ़ी हल्का वजन होने वाला फैन जहाँ सा 180-170 दे रहे, तो ये Honor का फ़ोन मुझे थोड़ा वज़न दिख रहा है क्योंकि ये 206 ग्राम का है। और अगर बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फ्रंट और बैक में हमें ग्लास मिलने वाला है, और अगर मैं बात करूँ उसके फ्रेम की, तो वो हमें एलुमिनियम पे मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छी बात है फैन। और डिस्प्ले टाइप की बात करूँ तो फैन हमें IPS की डिस्प्ले मिलने वाली है, नॉर्मल सी एक डिस्प्ले है। और इसमें हमें अगर बात करूँ डिस्प्ले साइज़ की, तो 6.59 इंचेस का होने वाला है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 84.7% होने वाला है, तो ठीक ठाक था हमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने मिले। और प्लेटफॉर्म की बात करूँ OS की, तो काफ़ी अच्छे इसमें OS आप जानते हैं एंड्रॉइड 9.5 पे मिलने वाला है, और इसमें हमें MIUI 9.1 पर मिलने वाला है, तो ये ठीक ठाक से अभी मिलने वाला है। ओवेस एंड्रॉइड 10 रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन एंड्रॉइड 9.5 है, काफ़ी जल्दी इस पर भी हमें अपडेट मिल जाएगा। और लेकिन चिपसेट में हमें थोड़ा निराश कर दिया, काफ़ी लोग बोले 8 10 होगा, लेकिन इसमें 710F है जो 12 नैनोमीटर की स्पीड वो करता है, 710 निराश कर दिया भाई। तो चलो ठीक है, नॉर्मल सा हमें मिल रहा है, अभी देखते हैं ये तो 9X के बारे में, अगर 9X Pro आता है तो उसमें हमें क्या मिलता है पता चलेगा। और बात करूँ अगर इसके CPU की, तो उसमें Octa-Core 2.2 GHz पर होने वाली। GPU की बात करूँ तो माली का M51 MP3-4 होने वाला है, तो GPU ठीक ठाक होने वाला है, गेम खेलने में मज़ा आएगी, मैं तो एक बार PUBG ज़रूर खेलूँगा। और बात करूँ अगर इसमें कार्ड स्लॉट की, तो वो हमें मिलने वाला है MicroSD कार्ड, जैसे आप जानते हैं, तो 512 GB तक का सपोर्ट करता है, तो अच्छी बात है हमें काफ़ी लंबा सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स। और वेरिएंट की बात करें तो इसमें हमें दो वेरिएंट पता चला फ्रेंड, एक 464 होने वाला है, एक 6128 होने वाला है फ्रेंड्स। और अगर बात करूँ कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है, 48 MP का मेन कैमरा होने वाला है, जिसका अपर्चर है 1.8 का वाइड एंगल खाली लिखा है, और एक 8 MP का कैमरा है जो जिसका अपर्चर 2.4 का है, वो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, और एक 2 MP का कैमरा है जिसका अपर्चर 2.4 का है, वो हमें एक डेप्थ सेंसर मिलता है। और अगर बात करूँ LED फ्लैश के साथ मिलता है हमें, और अगर रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो 1080p 30 FPS में मिलता है, तो मतलब 30 FPS तो फुल HD में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं रियर कैमरे से फ्रेंड। सेल्फी की बात करूँ तो सेल्फी भी काफ़ी अच्छी है हमें, इसमें पॉप ऑफ सेल्फी मिलती है 16 MP की, जिसका अपर्चर 2.2 का है। और फ्रेंड्स अगर इसकी बात करूँ रिकॉर्डिंग की, तो 1080p 60 FPS में मिल रहा है फ्रेंड्स ये, तो 60 FPS यहाँ सब 30 FPS ऐसा दे रहे हैं, ये 60 FPS से देखते कितनी अच्छी इसकी रिकॉर्डिंग होती है सेल्फी से फ्रेंड्स, तो पॉपअप सेल्फी आपको याद रखना। और बात करूँ अगर इसमें लाउड स्पीकर की, तो हाँ फ्रेंड्स इसमें हमें लाउड स्पीकर ज़रूर मिल रहा है, और इसमें हमें 3.5 mm जैक भी मिल रहा है, बट एक्टिव नॉइस कैंसल डेलिकेटेड माइक जो मिलता है वो भी हमें मिल रहा है इसके अंदर फ्रेंड्स। बैटरी की बात करूँ तो 4000 mAh की बैटरी है, तो अच्छी बात है, लेकिन 20-30-40 वोल्ट का हमें चार्जर मिलता है, तो Honor ने हमें 10 वोल्ट का चार्जर क्यों दिया, कम से कम 18 वोल्ट का तो चार्जर दे देता, तो इसमें 10 वोल्ट का चार्जर मिल रहा है, बट इसमें हमें Type-C पोर्ट मिलने वाला है फ्रेंड्स, तो ठीक ठाक सा Type-C पोर्ट मिलने वाला। बात करूँ अगर इसकी कलर की, तो एक मिडनाइट ब्लैक होने वाला है और एक स्पेस ब्लू होने वाला है, तो ये दो कलर अभी पता चला है फ्रेंड्स। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस अभी शॉर्ट नहीं हूँ फ्रेंड्स, प्राइस का कुछ आइडिया नहीं, अभी जब ये इंडिया में आएगा या इसकी कुछ और लीक्स आएगी तो मैं आपको बता दूंगा प्राइस। तो
अगर ये फ़ोन फ़ोन में काफ़ी कुछ कम है, प्रोसेसर भी ठीक ठाक है, लेकिन जो भी है ये प्राइस पे आएगा तो हमें पता चलेगा ये फ़ोन कितना अच्छा है, बजट किलर है कि नहीं है। तो हॉनर को जब इंडिया में लॉन्च करेगा तो पता चलेगा। तो आज की न्यूज़ यही थी फ्रेंड्स, आपके लिए काफ़ी मेहनत करके न्यूज़ लेके आए हो फ्रेंड्स, तो ज़रूर से मुझे लाइक कर देना, 50 लाइक में जैसे ही बोलो 50 लाइक तो आप कर ही सकते। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। आप लोग के लिए ऐसी कमाल न्यूज़ लेके आता हूँ तो फिर आप लोग के लिए ऐसी कमाल न्यूज़ लाऊंगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आज की न्यूज़ आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर से मुझे कमेंट में बताना। तो तब तक का मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यही थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, जब तक का टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़ और ध्यान रखना अपना। आज काफ़ी गर्मी है, गए नहीं आप लोग, चाहिए यार चाहिए और न्यूज़ देखिए।